रुको बाबा जी, कहाँ जे बीण ही बजाबो जान तो कछु और आत जात हो तुम्हें। हाँ ये बीणा ही बजाना आता कि कुछ और भी आता है? नारद जी बोले महाराज अपने को तो बीण ही बजानो आवे, ओ भगवान जी को कीर्तन करवो, नारायण नारायण नारायण, बस यही इतना ही काम। तो सुनो ये बीड़ा बीड़ा का पता नहीं चलेगा कहाँ गया, आ तो तुम्हें हमसे युद्ध करना है। नारद जी बोले लो हो गया भजन। अब नारद जी परेशान, नारद जी कहने लगे भैया हम तुम्हें किसी बढ़िया पहलवान का नाम बता दे तो। हिरणाक्ष बोला हमारी भुजाओं में बड़ी खुजली हो रही है, हमारे तुम्हारे दो दो हाथ होंगे तुमसे युद्ध करेंगे, जीत जाओ तो ठीक है और नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो नारद जी बोले फिर हमसे काहे को लड़ोगे भैया, हम में तो इतनी ताकत हती ना, पर हम बढ़िया से पहलवान को नाम बता रहे सो चले जाओ, जिंदगी में खुजली दोबारा होगी ना बिल्कुल खत्म। बोले बताओ 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 कोई बढ़िया पहलवान। बोले बहुत अच्छा चले जाओ समुद्र के किनारे, एक बारहा बालक आ रहा है पृथ्वी को लेकर के, उन्हीं से दो दो हाथ कर लेना खुजली बिल्कुल शांत हो जाएगी। चल दिए मेरे भैया, जैसे ही देव ऋषि नारद चले हैं बंधुओं ध्यान रहे, हा हा नारद जी तो अपना आगे बढ़े, हिरणाक्ष से पहुंचा भगवान के पास में, भगवान को आता हुआ देखा तो अपमान करने लगा, ए जंगली जानवर कहाँ ये पृथ्वी को लेके कहाँ जा रहे हो। सो भगवान कुछ नहीं बोले। अब तो बड़े अपशब्द कह रहा है भगवान के हाथ से, एक बार तो गदा भी गिरा दी चक्र भी गिरा दी। देवता लोग सोच रहे अरे ये तो भगवान को जीत लेगा, भगवान तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। और देवता बड़े स्वार्थी होते, जहां भगवान जीतेंगे वहां फूल बरसाएंगे, और जब ही भगवान हारे तो किनारा कर जाते पहले ही बोल गोविंद भगवान की। सब देवता परेशान, पर भगवान ने थोड़ी देर तो देखा, उसके बाद में भगवान ने क्या किया अपने चक्र के द्वारा, जैसे उसने कहा अरे जंगली जानवर, तो भगवान बोले सुन यदि मैं जंगली जानवर हूँ तो तू भी किसी ग्राम सिंह से कम नहीं है, तू ग्राम सिंह है। और ग्राम सिंह कहते कुत्ता भैया। जैसे उसको गाली दी भगवान ने अपनी भाषा में दी, सो भैया बड़ा नाराज एकदम से बोला अरे हमको कुत्ता बता रहे हो, मारने के लिए दौड़ा। सो भगवान का सुदर्शन चक्र भगवान ने उद्धार कर दिया, पृथ्वी को लेकर के भगवान आए तो पृथ्वी को घमंड हो गया। पृथ्वी ने सोचा कि हमारे बिना भी भगवान का काम नहीं चलता है। उसी समय भगवान ने सोचा ले हिरणाक्ष को उद्धार करना है, पाओ इनको पकड़ लियो अभिमान रूपी हिरणाक्ष ने। सो भगवान ने पृथ्वी को रखा और ऐसी करिश्मा की कि श्री वृंदावन धाम बना करके प्रकट कर दिया। चारों तरफ साधु संत महात्मा, बड़े ग्वाल वाल कोयल बोल रही, कुकू की आवाज कर रही, चारों तरफ सभी प्रसन्न हैं और गोपियां आनंद ले रही, ब्रजवासी आनंद ले रहे। पृथ्वी मैया को बड़ी शंका हुई, बोले प्रभु ये बताओ ये सब क्या है। भगवान बोले ये है हमारा वृंदावन। पृथ्वी मैया बोली जब मैं ना तो वृंदावन कहाँ से। भगवान बोले तुम हो वो चाहे ना हो वो, पर वृंदावन तो अजर अमर है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पृथ्वी का घमंड चूर किया, भगवान लाए स्थापित किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि पुनः आरंभ की। बोल साईं नर्मदेश्वर महादेव की। तो मेरे सज्जनों भगवान शिव ने शक्ति से क्रिया की तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों को बनाने के बाद में कहा है कि तुम ब्रह्मा जी को यही चतुर्थ श्लोकी भागवत दी और कहा तुम सृष्टि करता हो जगत के करता हो, इसलिए तुम संसार बनाओ ब्रह्मा जी, तुम्हारा नाम है विधाता। विधाता जी बोले क्षमा करना प्रभु, थोड़ा भी कोई भजन कर लेता घमंड हो जाता है, आप हमें इतनी बड़ी उपाधि दे रहे। भगवान बोले ना 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 तुम संसार बनाओ, मेरा आशीर्वाद है। शंकर से कहा तुम संहार करता हो और विष्णु से कहा तुम पालन करता हो, तीनों को अपना अपना कार्य दे दिया। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की, सबसे पहले सनक सनंदन सनातन चार ऋषि बनाए,
इन चारों ऋषियों ने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिया कि हमें ऐसा आशीर्वाद दो हम हमेशा 5 वर्ष के बने रहें। तो कहने लगे ठीक है, 5 वर्ष के ही रहोगे मेरे श्रोता बंधुओं। जब आशीर्वाद दे दिया, ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये 5 साल के रहेंगे तो संसार की सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया है, पुनः जब सृष्टि की तो 10 मानस पुत्र बनाए, उनमें देव ऋषि नारद नाम के पुत्र और एक सरस्वती नाम की कन्या, ध्यान रहे। और इसके बाद में फिर भी सृष्टि नहीं हुई तो ब्रह्मा जी बड़े दुखी हो गए। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 100 वर्ष तपस्या की है ब्रह्मा जी ने। तब भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया, जिसके आपको पीतांबर दिए गए हैं। ये जो श्री महामंत्र है जो आप लोगों को पीतांबर दिया, ये कोई साधारण नहीं है। इसके रचेता जो है ना साक्षात जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया, ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। ये महामंत्र का जो आपको पीतांबर और जो कन्याओं को पट्टियां दी गई होंगी कल, ये बहुत बड़ा महामंत्र है, कोई साधारण नहीं है। इन्हीं भगवान नर्मदेश्वर ने नरधन मादा, अर्ध नारीश्वर यानी अर्ध में शिव अर्ध में माता शक्ति, और ये दोनों एक रूप में समाहित होकर जब ब्रह्मा जी को दर्शन दिए, तब भगवान ने कहा कि सुनो, जब तक तुम स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं बनाओगे, और इसी को कहते हैं नर्मदेश्वर, आधा नर आधा पुरुष आदि मादा। ये संसार भी जो भौतिक सृष्टि भी है, ये किसकी है, नर और मादा की। भैया जब माता पिता न हो, पुरुष और स्त्री का मिलन नहीं हो, तो क्या संसार बन सकता है। तो इन्हीं को कहते हैं नर्मदेश्वर। नर्मदेश्वर कोई अलग चीज नहीं है। तो ये महामंत्र जो है, अब देखो वो भगवान साक्षात भगवान को जन्म देने वाले, आध्यात्मिक पुरुषों को जन्म देने वाले, और आप माता पिता हो संसार को जन्म देने वाले। अंतर इतना है, वो अध्यात्म सृष्टि करता है और आप लोग भौतिक सृष्टि करते हो। बोल श्री साई नर्मदेश्वर भगवान की। भगवान नर्मदेश्वर ने दर्शन दिया और कहा है कि आप जब तक स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं बनाओगे तब तक संसार नहीं बन सकता है। तब ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा, मनु है पुरुष, शत्रुपा है स्त्री, नरधन मादा, इसी को कहते नर्मदेश्वर। तो आ जाइए, स्त्री पुरुष का जोड़ा जब बनाया, क्योंकि ना केवल स्त्री से सृष्टि ना ही केवल पुरुष से, बिना तेल के दीपक नहीं जल सकता है, ऐसे ही ना स्त्री से ना पुरुष से, ये स्त्री पुरुष दोनों ही जब होंगे माता और पिता, तभी संसार का जन्म होता है, बेटे का जन्म होता है, बेटी का जन्म होता है। तो हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव जो है परम श्रद्धेय कुंवर श्री रविराधे जी, उनका यही कहना है, श्री रविराधे जी का ये अरमान, पर मात पिता का करो सम्मान, जहां से ये पूरा संसार बना है। सूर्य चंद्र पृथ्वी आकाश वायु कुछ नहीं था, शून्य था शून्य, तब नर्मदेश्वर ने शिव ने शक्ति से क्रिया की। शिव और शक्ति इन्हीं को कहते हैं नर्मदेश्वर। तो शिव ने शक्ति से क्रिया की, तब ब्रह्म हुए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनसे ब्रह्मा जी से मनु शत्रुपा, और मनु शत्रुपा से संसार। आ जाइए,